नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास सिक्स यूनिट सिक्स ए एंड द लेसन इज इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया, इसका स्टडी करेंगे। बुक डेजी से है। इंडिजिनस गेम्स देशी गेम्स, खेल ऑफ का भारत, भारत के देशी खेलों के बारे में ये लेशन का नाम हो गया। हम लोग आज इसको स्टडी करेंगे। इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया, इंडिजिनस देशी गेम्स ऑफ इंडिया। बिफोर यू रीड, वेन एवर वी थिंक ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यहाँ तक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वेन एवर वी थिंक ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, वेन एवर जब कभी भी वी थिंक हम लोग सोचते हैं, थिंक ऑफ सोचते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेल कूद के बारे में। यहाँ पर थिंक ऑफ मेरा फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जा रहा है और ये एज अ नाउन वर्ब का इन्फोर्स होता है, यानी कि एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। वेन एवर वी थिंक ऑफ वर्बल नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं। When we think of sports and games, जब कभी भी हम लोग सोचते हैं, think of करते हैं sports and game खेल कूद के बारे में, cricket, football और hockey comes to our mind। कौन कौन से? Cricket, football और hockey comes to our mind। Sentence complete हो रहा है। यहाँ पे हम लोग grammar थोड़ा सा use देखते हैं, कौन सा grammar use किया जा रहा है। Whenever, जब कभी भी, ये adverb है। जब कभी भी वी सब्जेक्ट हो रहा है, थिंक ऑफ सोचते हैं यानी कि वर्ब हो रहा है। वेन एवर वी थिंक ऑफ जब हम लोग सोचते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेल कूद के बारे में, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी कम्स टू आवर माइंड। या तो कम्स क्यों लिखा गया, थर्ड पर मतलब वर्ब मेरा सिंगुलर वर्ब यूज किया जा रहा है, वी फाइव है। क्रिकेट फुटबॉल या हॉकी, ये तीनों में से कोई एक कम्स टू आवर माइंड, इसलिए कम्स लिखा गया है। टू आवर माइंड हमारे मस्तिष्क में आता है, हमारे दिमाग में आता है। वी रेयरली थिंक ऑफ गेम्स लाइक गिली डंडा, पिट्टो एंड हॉप स्कॉच। वी हम लोग इस सेंटेंस में हो रहा है, वी हम लोग यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रेयरली थिंक ऑफ हम लोग रेयरली बहुत मुश्किल से, थिंक ऑफ सोचते हैं, तो रेयरली मेरा एडवर्ब है और थिंक ऑफ मतलब वर्ब हो रहा है। वी रेयरली थिंक ऑफ गेम्स हम लोग बहुत मुश्किल से सोचते हैं खेलों के बारे में, लाइक जैसे कि गिली डंडा, पिट्टो एंड हॉप स्कॉच, धप्पा या छुआ धप्पा जिसको बोलते हैं, हॉप स्कॉच। दीज गेम्स आर बींग प्लेड इन आवर कंट्री फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, दीज गेम्स मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, आर बींग प्लेड ये मेरा पैसिव वॉइस में लिखा गया है, आर बींग प्लेड इन आवर कंट्री हमारे देश में, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स प्राचीन समय से, एंशियंट प्राचीन और टाइम्स मतलब समय, फ्रॉम मेरा प्रीपोजिशन दिखाया गया है। दीज गेम्स, दीज मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो रहा है, गेम्स मेरा नाउन हो रहा है। तो ये खेल आर बींग प्लेड खेले जा रहे हैं इन आवर कंट्री हमारे देश में, फ्रॉम एंशियंट टाइम प्राचीन समय से ही। दे आर स्टिल प्लेड इन पॉकेट्स इन डिफरेंट विलेज। दे मेरा प्रोनाउन यूज किया गया है और डिफरेंट गेम्स के लिए लाया गया है, जैसे कि गिली डंडा है, पिट्टो है एंड हॉप स्कॉच है, इसके लिए प्रोनाउन दे लाया गया है। दे आर स्टिल प्लेड ये भी पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है, वी प्लस आर प्लस वी थ्री दिया गया है। दे आर स्टिल प्लेड, स्टिल प्लेड अभी भी खेले जाते हैं, यानी कि अभी भी, स्टिल मेरा एडवर्ब हो रहा है। दे आर स्टिल प्लेड अभी भी खेले जाते हैं इन पॉकेट्स छोटे ग्रुप में या छोटे स्थानों में, इन डिफरेंट विलेज अलग अलग गांवों में। व्हाट आर दीज गेम्स ये खेल कौन कौन से हैं, व्हाट इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं, व्हाट आर दीज गेम्स ये खेल कौन कौन से हैं, How are they played? वे कैसे खेले जाते हैं। How भी मेरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो रहा है, आर दे
दे मेरा प्रोनाउन है और जो डिफरेंट गेम्स के लिए लाया जा रहा है, आर प्लेड, खेले जाते हैं, यानी कि यह भी पैसिव वॉइस में ही दिया गया है। हाउ आर दे प्लेड, ये कैसे खेले जाते हैं, रीड, पढ़ें, टू नो, जानने के लिए इन्फिनिटिव है, अबाउट देम, इनके बारे में, अबाउट प्रीपोजिशन का इनके बारे में, रीड टू नो अबाउट, बारे में, पढ़ें इनके बारे में, हाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है देम, इनके बारे में। इंडिजिनस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन, इंडिजिनस गेम्स, इंडिजिनस मेरा एडजेक्टिव हो रहा है, गेम्स मेरा नाउन हो रहा है। आर, आर मेरा लिंकिंग वर्ब है, नेटिव टू अ रीजन, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। आर नेटिव टू ए रीजन, नेटिव मतलब जन्मस्थली होता है, टू ए रीजन किसी क्षेत्र का, किसी क्षेत्र में, यानी कि किसी क्षेत्र में ये इनका जन्म होता है, नेटिव टू ए रीजन। दीज गेम्स ओरिजिनेट इन पर्टिकुलर रीजन और कंट्री, दीज गेम्स, ये खेल ओरिजिनेट, उत्पन्न होते हैं, ते हैं, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में लिखा जा रहा है, चूँकि ये गेम्स मेरा प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए एस वर्ब के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। दीज गेम्स, दीज मेरा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, दीज गेम्स, ये खेल ओरिजिनेट, उत्पन्न होते हैं, इन पर्टिकुलर, इन मेरा प्रीपोजिशन दिया जा रहा है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है पर्टिकुलर रीजन, खास क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, पर्टिकुलर मेरा एडजेक्टिव है, रीजन मेरा नाउन है, और कंट्री या किसी देश में ये किसी खास स्थान पर या देश में इनकी उत्पत्ति होती है। एंड मेरा कंजक्शन है, हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कल्चर एंड कल्चर, हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कल्चर, कल्चर एंड ट्रेडिशन, दीज गेम्स ओरिजिनेट, ये खेल उत्पन्न होते हैं, इन ए पर्टिकुलर रीजन और कंट्री, किसी खास रीजन में, जगह में, स्थान में और कंट्री में उत्पन्न होते हैं। एंड हैव, एंड कंजक्शन दे दिया गया है, दो सेंटेंस को जोड़ दिया गया है, एंड, एंड मेरा बोलते हैं एंड कोपुलेटिव या फिर कुमुलेटिव कंजक्शन है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक, और इनमें कैरेक्टरिस्टिक होता है, चारित्रिक लक्षण होता है, ऑफ इट्स कल्चर, कल्चर संस्कृति का, एंड ट्रेडिशन रीति रिवाज परंपरा का। तो यहाँ पर एंड कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन आप बोल सकते हैं इसको, दे करके हैव, हैव सीधे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हैव मेरा यहाँ पर जो वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो इसका सब्जेक्ट हो रहा है गेम्स, एंड गेम्स हैव, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें चारित्रिक लक्षण होता है, ऑफ इट्स कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति का, एंड ट्रेडिशन परंपरा का, जिस जगह पर ये गेम्स उत्पन्न होते हैं वहाँ का उनमें चारित्रिक सांस्कृतिक और पारंपरिक लक्षण पाया जाता है। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन रिच इन कल्चर एंड ट्रेडिशन, एंड गेम्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। क्या बोला जा रहा है, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन, इंडिया मेरा सब्जेक्ट हो रहा है चूँकि नाउन है मेरा, हैज़ ऑलवेज बीन, रहा है, हमेशा से भारत रहा है, ऑलवेज मतलब हमेशा से, हैज़ और भीतरी का यूज़ किया गया है, हैज़ और भीतरी, हैज़ प्लस भीतरी का यूज़ किया गया है, यानी कि हैज़ तो मेरा है ही है, हैज़ लिखा हुआ है, प्लस बी एक बी फैमिली वर्ब होता है, जैसे इज एम आर होता है, उसी तरह से बी भी मेरा एक वर्ब होता है, भी वन होता है, और इसका भीतरी होता है, बी डबल ई एन होता है, तो यहाँ भीतरी बीन का यूज़ किया गया है। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन, भारत हमेशा से रहा है, रिच संपन्न इन कल्चर एंड ट्रेडिशन, कल्चर संस्कृति और रीति रिवाज में हमेशा से ही संपन्न रहा है। एंड गेम्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, एंड
फिर कंजक्शन दिया रहा है, कुमुलेटिव कंजक्शन बोलिए या कोपुलेटिव कंजक्शन बोलिए, दो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। गेम्स एंड गेम्स हैव बीन, हैव और बीन का यूज किया जा रहा है, चूँकि गेम्स है इसलिए मेरा हैज लगेगा, यहाँ इंडिया था इसलिए मेरा हैज लग रहा है, गेम्स है इसलिए हैव लगाया गया है। गेम्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण पार्ट, महत्वपूर्ण भाग रहे हैं ऑफ इंडिया, भारत की कल्चर संस्कृति का और हेरिटेज धरोहर का, परंपरा का। ग्रेजुअली धीरे धीरे द टाइम चेंज, ग्रेजुअली मेरा एडवर्ब हो रहा है, द टाइम मेरा नाउन है, चेंज्ड मेरा वर्ब है, यानी कि टाइम मेरा सब्जेक्ट हो रहा है और वर्ब मेरा यहाँ पर चेंज्ड है, धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ। एंड सो डिड आवर स्पोर्ट्स, और इसी प्रकार से हमारे खेलकूद भी परिवर्तित हुए। इन ए टाइम ऑफ वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स जो मोबाइल में हम लोग गेम खेलते हैं उसको बोला जा रहा है, वीडियो गेम के समय में, वीडियो गेम एंड गैजेट्स के समय में, वीडियो गेम और इससे रिलेटेड उपकरणों के, आधुनिक उपकरणों के समय में। वी ऑल हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, वी मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, प्रोनाउन है, हैव फॉरगॉटन, हैव फॉरगॉटन, हैव प्लस भीतरी का यूज़ किया गया है, यानी कि हैव फॉरगॉटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। हैव, वी हैव ऑल फॉरगॉटन, हम सभी भूल चुके हैं, ऑल मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वी ऑल हैव ऑलमोस्ट, लगभग फॉरगॉटन, ऑलमोस्ट मेरा एडवर्ब हो रहा है, फॉरगॉटन भूल चुके हैं, द ट्रेडिशनल गेम्स, पारंपरिक खेलों को ऑफ भारत, भारत के पारंपरिक खेलों को लगभग भूल चुके हैं। लेट अस नो, अब हम लोग जानते हैं अबाउट बारे में, सम ऑफ द ट्रेडिशनल गेम्स, कुछ पारंपरिक इंडियन गेम्स, ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स, कुछ पारंपरिक भारतीय खेलों के बारे में अब हम लोग जानते हैं। विच, जो रिलेटिव प्रोनाउन है मेरा, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच यू माइट बी enjoying playing too, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिया गया है, इसको हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों लिखा गया है, अच्छा चीज़ है। Let us know, अब हम लोग जानते हैं about some of the traditional Indian games, पारंपरिक भारतीय खेलों के बारे में, कुछ पारंपरिक भारतीय खेलों के बारे में हम लोग जानेंगे। Which relative pronoun दिया जा रहा है, You might, संभवतः, आप संभवतः be enjoying and playing too, आप संभवतः उनको खेल करके आनंदित होते भी हैं। यहाँ पर be might के may के बाद be one का use करते हैं, जैसे you may go, might be enjoying playing, enjoying मेरा क्या है, enjoy तो मेरा verb की तरह काम करवाता है, लेकिन ing जोड़ करके इसको या तो हम लोग gerund या फिर present participle बनाते हैं, यहाँ पर present participle enjoying adjective का काम कर रहा है। और playing क्या है, playing verb plus ing जोड़ के हम लोग gerund भी बनाते हैं, जिसको हम लोग as a noun use करते हैं। You might be enjoying playing too, आप संभवतः खेल करके आनंद भी उठाते हैं, इस सेंस में लिखा गया है। द फर्स्ट इंडिजिनस गेम है, गेम्स का नाम दिया जा रहा है अस्थापड़ा। अब हम लोग थोड़ा इसमें चलते हैं, अस्थापड़ा को समझते हैं, कौन सा गेम है और इसको कैसे खेला जाता है। देखिए, चेस वाज इन्वेंटेड इन इंडिया, वाज और भीतरी यानी कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। चेस मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, वाज इन्वेंटेड उत्पत्ति हुई थी या इसकी खोज की सबसे पहले उत्पत्ति की गई थी इन इंडिया, भारत में। इन मेरा प्रीपोजिशन दे दी गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। चेस वाज इन्वेंटेड इन इंडिया, चेस का उत्पत्ति भारत में हुआ था। एंड ओरिजिनली वाज कॉल्ड अस्थापड़ा, और ओरिजिनली वास्तविक रूप में वाज कॉल्ड कहा जाता था, पैसिव वॉइस में है अस्थापड़ा, इसको अस्थापड़ा ही कहा जाता था। लेटर दिस गेम केम टू बी नोन एज चतुरंगा, लेटर बाद में, एडवर्ब ऑफ टाइम हो रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो रहा है। दिस गेम, ये दिस मेरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गेम खेल, केम टू बी नोन जाना जाने लगा, पैसिव वॉइस, केम टू बी नोन जाना जाने लगा एज चतुरंगा, चतुरंगा के रूप में इसको जाना जाने लगा।
अस्थापड़ा, अस्थापड़ा नाउन है, मीनिंग एट स्क्वायर्स। अस्थापड़ा का अर्थ होता है मीनिंग, मीनिंग मीनिंग एट स्क्वायर्स, मीनिंग जैसे मींस, मींस मेरा भर्ब होता है, भर्ब में आई एन जी जोड़ करके इसको जिरांड एज ए नाउन यूज किया जा रहा है। मीनिंग अर्थ है एट, आठ स्क्वायर्स, आठ स्क्वायर मतलब चतुर्भुज, इसका रेफर्स करता है। रेफर्स टू बोथ द गेम, बोथ द गेम बोर्ड्स डायमेंशंस एंड द गेम प्लेड अपॉन द 64 स्क्वायर्स। अस्थापड़ा मीनिंग क्या हो गया, एट स्क्वायर्स, आठ चतुर्भुज हो गए, और ये अस्थापड़ा रेफर्स क्या करता है, संदर्भित किसको करता है, बोथ, दोनों को। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बोथ द गेम्स, गेम का बोर्ड, खेल का जो बोर्ड होता है, जैसे चेस का जो कूट का बोर्ड होता है या लूडो का जो कूट का बोर्ड होता है उसको बोर्ड बोला जा रहा है। द गेम बोर्ड, गेम बोर्ड्स डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई क्या होगा उसका, एंड द गेम प्लेड अपॉन द 64 स्क्वायर्स, और गेम जो है, खेल जो है, प्लेड खेला जाता है अपॉन 64 स्क्वायर्स, यानी कि 64 वर्गों में खेला जाता है, वर्ग के आकार का आकृति रहता है उसमें। टू थ्री और फोर पीपुल कैन प्ले द गेम, दो तीन और चार, पीपुल कैन प्ले, खेल सकते हैं द गेम, इस खेल को। इफ़ टू पीपुल, यदि दो व्यक्ति आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, आर प्लेइंग खेलते हैं या खेल रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ईच वुड, ईच मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, वुड शीट ऑन, बैठेंगे, बैठते हैं वन साइड ऑफ द बोर्ड। अगर दो व्यक्ति खेलते हैं तो वन साइड ऑफ द बोर्ड, या तो इधर में या फिर इधर में, किसी भी तरफ वन साइड में बैठते हैं, एंड इंटर प्रवेश करवाते हैं देयर, अपने अपने टू पीसेस, दो टुकड़ों को, दो गोटियों को, ऑन टू द सेंटर, और सेंटर में प्रवेश करवाते हैं, यहाँ पर प्रवेश करवाते हैं। क्रॉस कट स्क्वायर अलोंग द आउटर साइड, कहाँ पर प्रवेश करवाना है, सेंटर में क्रॉस कट जो दिया हुआ है वहाँ पर, और अलोंग द आउटर साइड, और बाहर की तरफ से, यहाँ से हम लोग गोटियों को, टू पीसेस को इस तरह से खेलते हुए इसको अंदर करवाते हैं, ठीक है। ये है अस्थापड़ा का गेम। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू बी द ऑब्जेक्ट, उद्देश्य ऑफ द गेम, ये मेरा फ्रेज है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज, इज, इज मेरा मेन वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। इज टू बी द फर्स्ट प्लेयर, प्रथम खिलाड़ी होना, होना है। इस गेम का क्या उद्देश्य है, कि आप पहले खिलाड़ी बने। टू इंटर, प्रवेश करने वाला, एंड एग्जिस्ट, बाहर निकलने वाला, बोथ हीज पीसेस, अपने दोनों गोटियों को सबसे पहले प्रवेश करवाना है स्क्वायर कट रीजन में, स्क्वायर कट, क्रॉस कट स्क्वायर में, और वहां से आपको निकलना भी है। बनने वाला पहला खिलाड़ी बनने आपको बनना है। द प्लेयर एग्जिट हीज पीसेस, प्लेयर खिलाड़ी एग्जिट बाहर निकालता है हीज पीसेस अपने गोटियों को। वंस रीचिंग द सेंटर स्क्वायर, जब सेंटर स्क्वायर, ये मेरा सेंटर स्क्वायर हो गया, यहाँ जब ये पहुँच जाता है तो अपने गोटियों को एग्जिट करवा लेता है। एग्जिट करवा लेता है मतलब बाहर निकाल लेता है। मूवमेंट ऑफ द गेम इज डिटरमाइंड बाई फोर काउरी सेल्स, सेल्स गोटियों को बोला जा रहा है, चार गोटियों को बोला जा रहा है। द मूवमेंट ऑफ द गेम, इस गेम का मूवमेंट जो होता है, यानी कि जो हम लोग चाल बोलते हैं, यानी गोटियों को बढ़ाने का जो क्रम होता है, इज डिटरमाइंड द फोर काउरी सेल्स के द्वारा इनको डिटरमाइंड किया जाता है।